इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दुर्ग जिला कमेटी द्वारा नई शिक्षा नीति के खिलाफ दुर्ग के पटेल चौक पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दुर्ग जिला कमेटी के द्वारा नई शिक्षा नीति 20 के खिलाफ दुर्ग पटेल चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि प्रदर्शन को संबोधित करते हुए दुर्ग जिला अध्यक्ष शुभम पांडे ने बात रखते हुए कहा, जब से नई शिक्षा नीति 20 लाई गई है तब से हमारा एकमात्र क्रांतिकारी छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। हमारा मानना है कि ये नीति एक विनाशकारी नीति है जो शिक्षा में निजीकरण, व्यापारीकरण, केंद्रीकरण, सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देगी। ये नीति सरकारी स्कूलों को बंद करने की व गरीब मध्यम वर्ग के छात्रों को पढ़ाई से बाहर करने की नीति है। ज्ञात हो कि छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO की राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक नई शिक्षा नीति 20 वापस लो व जन शिक्षा बचाओ सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत 1 फरवरी को नई शिक्षा नीति 2020 का शिक्षा पर दुष्प्रभाव विषय पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन परिचर्चा रखी गई, जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 का स्कूली शिक्षा पर दुष्प्रभाव को लेकर गहराई से चर्चा की गई। वहीं 7 फरवरी को विरोध सप्ताह के अंतिम दिन में दुर्ग कचहरी चौक में नई शिक्षा नीति 20 को वापस लेने की मांग पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग यहाँ पर हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नई शिक्षा नीति के विरोध में पूरे देश भर में 1 से 7 फरवरी तक विरोध सप्ताह मनाया गया। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखे हैं। हम आप सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा की जो मूल समस्याएं थी, कक्षा 1 से 8 तक पाठ्यक्रम प्रणाली को जो वापस लागू करना था, लागू करने के विषय में कोई बात नहीं कही गई। और दूसरा एक गंभीर समस्या यह है कि स्कूली शिक्षा को अभी आंगनबाड़ी से जोड़ दिया गया है, कक्षा 1 और 2 आंगनबाड़ी के साथ पढ़ाया जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो आंगनबाड़ी की समस्या है, उनके पास खुद का भवन नहीं है। आंगनबाड़ी में जो महिलाएं पढ़ाती है उनको अपने घर में और अलग अलग किराए से लेकर भवन में पढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार की स्थिति में अगर कक्षा 1 और 2 को आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा तो स्कूल का जो पढ़ाई का स्तर है वो तो और नीचे गिरता जाएगा। तो इस तरह से जो शिक्षा की समस्या है और लगातार पढ़ाने का काम किया गया है। कॉलेजेस में सीट की संख्या कम है, लेकिन सीट की संख्या को बढ़ाने के संबंध में कोई विश्लेषण नहीं है। तो इस तरह से जो नई शिक्षा नीति आई है, ये शिक्षा के निजीकरण को बढ़ाने के लिए, शिक्षा के सांप्रदायिकरण को बढ़ाने के लिए और शिक्षा को आम गरीब जनता से दूर करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसीलिए हमारे छात्र संगठन पूरे देश भर में इस नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं जब से ये नई शिक्षा नीति आई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।